हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं 6 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वन दी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। आपको बताना है साल 2021 के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ऑप्शन है आपके पास लाइफ, सेल, बीपीसीएल या फिर एचसीएल। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, लाइफ। दोस्तों यहां पर याद रखें कि लाइफ की फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और ये दिल्ली बेस्ड एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने साल 2021 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जीता। और दोस्तों यहां पर ये भी याद रखें कि इस अवार्ड को स्वीडन का ऑल्टरनेटिव नोबल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड एनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, नेम्ड बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। आपको बताना है इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में क्रिएटर एजुकेशन और एनेबलमेंट प्रोग्राम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम को लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट या फिर स्पेसएक्स। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, फेसबुक ने बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आपको बताना है जापान का नया प्राइम मिनिस्टर इन में से कौन बना। ऑप्शंस आपके पास टारो कोनो, जो बाइडन, तोशी निकाय या फिर फ्यूमियो किशिड। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, फ्यूमियो किशिड जो है ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखें कि फ्यूमियो किशिड को 4 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट किया गया एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जापान के। इनके एज 64 ईयर्स है और ये जापान के 100th यानी 100वें प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा वान दी दुरंत कप 2021। दुरंत कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। आपको बताना है गोवा ने साल 2021 का दुरंत कप जीता है। आपको बताना है दुरंत कप इन में से किस गेम के साथ ताल्लुक रखता है। ऑप्शन है आपके पास हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या फिर टेनिस। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। आपको बताना है इंडिया में कब मनाया जाता है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ऑप्शन है आपके पास 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 5th अक्टूबर या फिर 6th अक्टूबर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, 5th अक्टूबर को इंडिया में गंगा रिवर डॉल्फिन डे या फिर नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर आप ये याद जरूर रखें कि डॉल्फिन इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और इंडिया में गंगा रिवर डॉल्फिन डे साल 2010 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्माइल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन 2021। आपको बताना है साल 2021 का वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाया गया। ऑप्शन है आपके पास 1st ट्यूसडे ऑफ अक्टूबर, 1st वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर, 1st थर्सडे ऑफ अक्टूबर या फिर 1st फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। इसका सही आंसर है हर साल 1st फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड। आपको बताना है वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 5th अक्टूबर या फिर 6th अक्टूबर। इसका सही आंसर है पार्ट सी, 5th अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, और इसको इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहा जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1994 में।
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखें कि साल 2021 के लिए वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। आपको बताना है मेडिसिन में किसको साल 2021 का नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ऑप्शन है आपके पास, डेविड जूलियस, अर्डम पेटापोशेन, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, बोथ ए एंड बी, यानी डेविड जूलियस और एडम को साल 2021 का नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के। दोस्तों यहां पर आप ये याद जरूर रखें कि इनको ये नोबेल प्राइज मिला उनकी डिस्कवरी के लिए, जो डिस्कवरी उन्होंने की टेम्परेचर और टच के जो रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्कवर करने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस और अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।